21 तारीख से शुरू हो गया बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्जाम, बच्चे हैं उत्साहित। सभी परीक्षा केंद्रों को आदर्श केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे सजाया हुआ है, आसपास सभी जगह को साफ सुथरा किया गया, बैलून लगा करके देख सकते हैं यहाँ पे सजाया गया है। रामानंद मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय लहरिया सराय दरभंगा या गर्ल्स कॉल स्कूल है। इसमें सिर्फ गर्ल्स को ही सेंटर दिया गया है। इसमें दरभंगा के विभिन्न गर्ल्स स्कूलों का सेंटर पड़ा है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी आरडी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक चयन करने आए पदाधिकारी सभी परीक्षार्थियों का सख्ती बरता जा रहा है। आपको बता दें बिहार के सभी परीक्षा केंद्रों को आदर्श केंद्र बनाया गया है। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहने के लिए शेयर और सब्सक्राइब करें। रामानंद मिश्र राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय लहरिया सराय दरभंगा में पहले पाली में 439 बच्चों का परीक्षा केंद्र पड़ा हुआ था, जिसमें 424 बच्चे उपस्थित थे और 15 बच्चे अनुपस्थित थे। दूर दूर से आए बच्चे यहां पर पहले से ही आकर खड़े हो जाते हैं और देख सकते हैं सामने पानी की व्यवस्था स्कूल प्रशासन बिहार सरकार के द्वारा की गई है और खासकर सभी परीक्षा केंद्र आदर्श केंद्र में तब्दील कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो जिस तरह से चेकिंग की प्रावधान है, चेकिंग किया जाता है छात्राओं का, देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छात्राएं हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम देने आए हैं, परीक्षा देने के लिए आए हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल के बाहर, गेट के बाहर इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा भीड़ जमा हो जाता है, लोग और जो पुलिस बल के जवान होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ जाम ही जाम लग जाता है। दो तरफ, जब सबसे बड़ी बात ये बता दें कि पहले पाली में जब बच्चे आते हैं तभी जाम लग जाता है और दूसरे पाली में भी जाम लग जाता है। और ख़ासकर यहाँ पर जो परीक्षार्थी के साथ उनके जो पेरेंट्स आते हैं वो भी यहाँ पर डटे रहते हैं, इसके वजह से ज़्यादा जाम की समस्या झेलनी पड़ती है पुलिस प्रशासन को। और ख़ासकर देख सकते हैं कितने जद्दोजहद के साथ सभी बच्चों को रोका गया है। जैसे ही समय पूरा होगा घंटी बजाया जाएगा, अलाउंस किया जाएगा, सभी बच्चे अंदर जाएंगे। कहीं कहीं जब अंदर गए बच्चे तो कहीं कहीं बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा कि जैसे गेट के ऊपर, गेट के सामने अगर लिखा गया है रोल कोड, रोल नंबर, तो गेट के अंदर भी कहीं कहीं दो तीन जगह चिपके होना चाहिए, जिससे कि इतने सारे बच्चे एक साथ जाते हैं तो उन्हें दिक्कत ना हो, अपरा तफरी ना मचे। ऐसे में देखने को मिला कि बच्चे कार्यालय ऑफिस में गए, ऑफिस से भागते यहाँ गेट पर आए, इस तरह का यहाँ पर देखने को मिला। और बीच में ही यहाँ पर एक गाड़ी था जिसमें देख सकते हैं यहाँ पर बीच में ही फंसा हुआ था। और ख़ासकर हम बता दें बहुत बड़ा जाम की समस्या जो है इस 10 दिन तक चलता रहेगा, जब तक ये एग्ज़ाम होगा बिहार बोर्ड का। ऐसे ही कवरेज देखते रहने के लिए इस चैनल का मदद करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिएगा भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज, और आगे हम सभी परीक्षा केंद्रों से आपके लिए न्यूज़ कलेक्ट करके लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।